मैडम आपको देखने के लिए कोई आया है। नॉट नाउ अरिजीत, नो मोर अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे। मैडम इट्स राके। एक गांव की कहानी सुनाते हैं। एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए, उन्होंने एक घर का कब्जा किया। गली के लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन्होंने गली का कब्जा किया, गांव वालों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया। उन कब्जा करने वालों को ब्रिटिशर्स कहते हैं और उस गांव को इंडिया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया। That is why they ruled over us for 250 years. आज भी कोई एक ऐसा आया है जो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। But I will not allow him to prevail because I am going to make it my problem. अगर मेरे एक दस्तखत से हम उसे कब्जे में ले सकते हैं तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। Hi, I am Jimmy Carter. Rocky. I am the CEO of Delver Steel Texas. Sir, madam bula rahi hai. Haan. Simpson, I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. देने आए हो या धमकाने? ना ना, बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट देने आया हूँ। किसकी कंप्लेंट? खुद की। मैडम मैं बदलना चाहता हूँ इस नाइंसाफी की दुनिया में। मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर KGF में इलीगल माइनिंग कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें है। आप इसे रख कर मुझे अरेस्ट करवा दीजिए मैडम। वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। I said you know मैडम, ना इंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी, मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि गन खोपड़ी पे लगाकर बुलेट उतार दे भेजे में, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल्स, रेगुलेशंस, इलेक्शंस, जनता, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी बड़ी झूठ है मैडम। किसको चाहिए मैडम डेमोग्राफी? जनता को चाहिए खाना पीना और मकान। क्या सर? हाँ सर। मैडम आपके लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन मेरे लिए बाय द पीपल। दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। मेरे जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकल कर रूल्स ब्रेक करके मेरे जैसे क्रिमिनल की तरह सोचोगे तो 2 मिनट में जाने दीजिए, मैं ही कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। मैडम हमारी तरफ के एक बुजुर्ग हैं, मास्टर है बेचारे, उन्हें वो क्या होता है यूनियन मिनिस्टर, लिख लीजिए मैडम को याद दिला देना। इतना कर दीजिए मैडम, कोई अपना होगा तो दिल्ली आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर दीजिएगा। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक दिन चुकोगे। और उस दिन
मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा केजीएफ और तुम्हारी सारी चाहत। उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी एंड साइनिंग द डेथ वॉरेंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। सुना है मेरी एक फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही।